नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम देखेंगे कि होला प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर को हम अपने विंडोज़ कंप्यूटर से कैसे हटाएंगे। सबसे पहले हमें एक तो इसको कंट्रोल पैनल से हटाना होगा, यानी प्रोग्राम्स में जाकर हटाना है। दूसरा ब्राउज़र से हटाना है जहाँ पर ये इंस्टॉल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं होला प्रॉक्सी का दिख रहा है आइकन, एक तो हमको यहाँ से हटाना होगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम्स में हटाते हैं। उसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रोग्राम्स टाइप कर सकते हैं और ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। दूसरा स्टेप है विंडोज़ आर दबाकर हमको यहाँ पर कंट्रोल टाइप करना है और एंटर करना है, और उसके बाद हम यहाँ पर प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं होला लिखा हुआ है एप्लीकेशन का नाम, इसको क्लिक करके अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे कन्फर्मेशन पूछेगा कि आपको हटाना है ये, तो अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये अनइंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, मतलब ये कंप्यूटर से हटाने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। और यहाँ से देखिए, अब ये यहाँ से हट गया। आप यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कहीं भी अब नहीं आ रहा, तो एक ये स्टेप हो गया। दूसरा, अब यहाँ से हटाने के लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है ब्राउज़र पे। हो सकता है कि आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो, तो आप वहाँ पे भी आइकन देख लेंगे। जहाँ पर आइकन आ रहा होगा वहाँ पे जाके आपको राइट क्लिक करना होगा और रिमूव करने का ऑप्शन दिखेगा, या फिर आप जैसे बाकी जो एक्सटेंशंस होते हैं उनको हटाते हैं वैसे आप हटा सकते हैं। तो यहाँ से गूगल क्रोम में यूज़ कर रहा हूँ। गूगल क्रोम में मैंने होला इंस्टॉल किया हुआ था। यहाँ पे जाके मैं इसको रिमूव फ्रॉम क्रोम करता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ। अब इंटरनेट मैंने कनेक्ट नहीं किया है इसलिए कोई पेज नहीं खुला, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब अगर मैं दोबारा करके देखूँ ब्राउज़र ओपन, तो आप देखिए यहाँ पर वो आए ऑप्शन अब होला नहीं आ रहा। तो ये दो थे स्टेप्स जिसके थ्रू आप होला एप्लीकेशन को, यानी होला प्रॉक्सी को, अपने विंडोज 10 कंप्यूटर से हटा सकते हैं।